अरे ये साइन बोर्ड पे क्या लिखा है? बेवकूफों के शहर में तभी कोई आदमी घुस सकता है जब वो अपनी बेवकूफी का सबूत दे। मगर ये सबूत दिया कैसे जाए? वो सामने पूछताछ केंद्र है शायद, जहां एक लड़की बैठी है। चलो उसी से पूछता हूं। हेलो। ये क्या, शक्ल से तो बेवकूफ लगते हो मगर काम दिमागदारों वाले हैं। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हम हाथ नहीं मिलाते। अच्छा, तो क्या आप लोग पैर मिलाते हैं? लीजिए मिलाइए पैर। हाँ? और ये पहनिए फटे पुराने जूतों की माला। शुक्रिया शुक्रिया। बेवकूफों के शहर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। शुक्रिया। अब जरा अपने बारे में बताइए ताकि मैं आपको यहाँ का वीजा दे सकूं। मैं कोई आम बेवकूफ नहीं हूँ, बल्कि अपने मुल्क का सबसे बड़ा बेवकूफ शेख चिल्ली हूँ। मेरी बेवकूफी के किस्से सारी दुनिया में मशहूर है। अच्छा? हाँ, मेरे बारे में ही कहा गया है, जो है अकल का दुश्मन बिल्कुल अंगूठा टेक है। शेख होंगे बहुत से, लेकिन शेख चिल्ली एक है। फिर शेख ने अपने देश में बेवकूफों की दशा बतानी शुरू की और रो पड़ा। उसे रोता देखकर वो महिला भी रोने लगी। जल्द ही वहां मौजूद सारे स्टाफ ने रोना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में बेवकूफों के शहर का प्रत्येक आदमी रोने लगा। शहर के प्रधानमंत्री ने सारे बेवकूफों से इतना रोने को कहा कि उनका सारा दुख उनके आंसुओं में बह जाए। बेवकूफों के शहर की उदासी 2 दिन तक कायम रही। मेरे प्यारे बेवकूफ भाइयों, तुम्हारे शहर में उदासी लाने के लिए मैं खुद को जिम्मेदार समझता हूं। कितनी हैरत की बात है कि बेवकूफों के सरताज शेख चिल्ली के आने से बेवकूफों का शहर उदासी में डूब गया। आओ आओ हम सब मिलकर हंसें। उसी समय शहर का प्रधानमंत्री गधे पर सवार और सिर पर जूतों का ताज पहने वहां आ जाता है। वो शेख के एक लात जमाता है। शेख, मैं तुझसे बहुत खुश हूं। अरे जी तो चाहता है कि इस शहर के सारे जूते तुम्हारे सिर पर रख दूं। तुम्हारे जैसा मेहमान इस शहर में कभी नहीं आया। आज हम तुम्हें मेहमान आलिया का दर्जा देते हैं। शुक्रिया। अब हमारे शहर के सभी ओहदेदार लाते मार कर तुम्हारा स्वागत करेंगे। बेवकूफों के शहर के सभी अधिकारी एक एक करके शेख के सामने आने लगे। वो शेख को एक जोड़ी फटे जूतों का तोहफा देकर उसे लात मारते और आगे बढ़ जाते। शेख चिल्ली इस स्वागत से फूला नहीं समा रहा था। ऐसी खुशी उसे कभी नसीब नहीं हुई थी। आखिर में शेख ने प्रधानमंत्री को एक जोड़ी फटे जूतों की पेश की, जिसे प्रधानमंत्री ने खुशी खुशी कबूल कर। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक नाचीज तोहफा है। धन्यवाद धन्यवाद भाई। अब आपको हमारे साथ राजमहल चलना है। हाँ, क्यों नहीं। हमें शेख चिल्ली को बेवकूफी के डॉक्टर की मानद उपाधि देते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हम बेवकूफों के शहर में आपका अभिवादन करते हैं। आप हम बेवकूफों के सरताज हैं। बेवकूफों के इतिहास में आपका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। बेवकूफी में आपने जो रिकॉर्ड बना दिए हैं, वो हम बेवकूफों के लिए एक मिसाल हैं। आपने दुनिया के दिमागदारों को भी बेवकूफी का रास्ता दिखाया। एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया में सिर्फ बेवकूफ बचेंगे और उन पर हुकूमत करेंगे हमारे शेख चिल्ली। हमें उम्मीद है कि आप भविष्य में भी
हमें रास्ता दिखाते रहेंगे। दिखाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। मेरे बेवकूफ भाइयों, यहां आकर मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं यहां पैदा क्यों नहीं हुआ। मैं खुदा से दरख्वास्त करूंगा कि अगले जन्म में मुझे यहीं का बाशिंदा बनाए, जिस तरह आपने मुझे फटे हुए जूते तोहफे में दिए हैं और लाते मार मार कर मेरा इस्तकबाल किया है, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। खुदा आपको और बड़ा बेवकूफ बनाए। अपने मुल्क लौटकर मैं और भी जोशो खरोश से बेवकूफी के प्रचार में लग जाऊंगा। मुझे यकीन है कि एक दिन मैं हिंदुस्तान को भी बेवकूफों का मुल्क बना दूंगा। बेवकूफी जिंदाबाद, बेवकूफी जिंदाबाद, बेवकूफी जिंदाबाद। अच्छा शेख चिल्ली जी, आप यहीं क्यों नहीं रह जाते? बेवकूफ भाइयों, हिंदुस्तान तक बेवकूफी का पैगाम ले जाने के लिए मुझे जाने दीजिए। साथियों, मैं खुद अपनी जिंदगी यहीं गुजारना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि मेरा मकबरा भी यहीं बने, लेकिन अफसोस मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। पूरी क्यों नहीं हो सकती? हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपका मकबरा यहीं बनेगा। हाँ हाँ, शेख का मकबरा यहीं बनेगा, यहीं बनेगा, यहीं बनेगा। हमें शेख की तमन्ना पूरी करने में देर नहीं करनी चाहिए। सही कहा तुमने भैया, शेख चिल्ली जैसे महान बेवकूफ की इच्छा जल्दी से जल्दी पूरी होनी चाहिए। शेख का मकबरा हमेशा हमें बेवकूफी के क्षेत्र में तरक्की करने की प्रेरणा देता रहेगा। हमें तुरंत शेख को मारकर उसका मकबरा बना देना चाहिए। कल शेख को गधा पार्क में मारकर वहीं इनका मकबरा बना दिया जाए। हाँ, यही ठीक रहेगा, यही ठीक रहेगा, बिल्कुल यही ठीक रहेगा। शेख को बांध दिया जाए और सब शेख को लात मार मार कर आखिरी सलाम पेश करें। अब तो मैं सीधे आसमानी बेवकूफों के पास पहुंचूंगा, लेकिन तुम लोगों का एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुम्हारी वजह से ही मुझे ये मौका मिल रहा है। तुम आसमानी बेवकूफ किसे कह रहे हो और उनके पास कैसे पहुंच जाओगे? दुनिया में आज तक जितने बड़े बड़े बेवकूफ हुए हैं, उन्हें मरने के बाद खुदा ने जन्नत में एक ही जगह पर बसा दिया। मुझे नजूमियों ने बताया था कि बेवकूफों के शहर के बाशिंदे जिसे सबसे बड़ा बेवकूफ मानकर उसका मकबरा बना देंगे, उसे मरने के बाद आसमानी बेवकूफों का शहंशाह बना दिया जाएगा। और आज तुम लोगों की बदौलत मुझे ये मौका मिल रहा है। मैं तुम सब लोगों का तहे दिल से एहसान मंद हूँ दोस्तों। अरे वाह, मुल्क हमारा और शहंशाह तुम बनोगे? हरगिज नहीं हो सकता ऐसा। आसमानी बेवकूफों का शहंशाह तो मैं बनूंगा मैं। हाँ नहीं नहीं, मैं बनूंगा बेवकूफों का शहंशाह। अरे भैया, जब मैं यहाँ मौजूद हूँ तो कोई और आसमानी बेवकूफों का शहंशाह कैसे बन सकता है? ये काबिलियत तो सिर्फ मेरे पास है। मैं सबसे पहले अपना मकबरा बनवाकर आसमानी बेवकूफों के पास पहुंचूंगा। आसमानी बेवकूफों के शहंशाह हम बनेंगे। ये हमारा हक है। शेख तो इसी मौके का इंतजार कर रहा था। जब सारे बेवकूफ आपस में झगड़ रहे थे, वो चुपचाप वहां से खिसक गया और हिंदुस्तान जा पहुंचा।